ये बीपीएससी का जनरल साइंस का लेक्चर 3 होगा और हम देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आयोग ने पिछले सालों में जो भी और आज हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं किस टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं। देखिए ये 2022 का क्वेश्चन था, तो यहाँ पर आयोग ने पूछा है कि जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है ये किसने प्रेजेंट की थी, उस साइंटिस्ट का नीचे नाम दे रखा है। अब एक सवाल उठता है, तो क्या ये कभी क्वेश्चन इस टाइप का रिपीट होगा? देखो ऐसे बहुत सारे फेमस साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी थ्योरी दी हैं। तो हम आइजैक न्यूटन के बारे में पढ़ेंगे, तो इन्होंने कौन सी थ्योरी दी ग्रेविटी से रिलेटेड। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो ग्रेविटी से रिलेटेड है, तो हम देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन इम्पोर्टेंट मतलब इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। और कुछ क्वेश्चन ये पूछे नहीं गए आयोग के द्वारा, इस वाले टॉपिक्स कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं गया, लेकिन कभी भी आ सकता है। और कुछ क्वेश्चन हम ये देखेंगे और ये फिर थोड़े से क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने लीनियर मोमेंटम। मोमेंटम होता क्या है? देखो सारी चीजें फिजिक्स में या आपको साइंस में एक जगह नहीं मिलेंगी, आपको काफी मेहनत करनी पड़ती है। तो पहले मैं बता देता हूँ कि मोमेंटम होता क्या है। मोमेंटम का मतलब अगर हम रियलिटी में मतलब अगर हम बात करें, तो अगर जैसा आपने देखा होगा कि किसी ने कोई बॉल आपके कमर में या फिर आपके कहीं मार दी, तो किस चीज पर डिपेंड करेगा? आपको ज्यादा चोट लगेगी कम चोट लगेगी, तो किस बात पर डिपेंड करेगा कि वो कितनी वेलोसिटी से उसने बॉल को फेंका है। तो मोमेंटम जो होता है, मोमेंटम होता है अगर कोई मास को आपने उसकी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे बॉल है तो बॉल का अपना मास होगा, लेट से उसका जो मास होगा वो 200 ग्राम है। इस 200 ग्राम की बॉल को आपने फेंक दिया, किसी भी वेलोसिटी से फेंक दिया, लेट से 10 मीटर पर सेकंड के रेट से आपने फेंक दिया, तो 200 ग्राम की बॉल को आप मल्टीप्लाई कर दो इसके जो भी जिस भी सेकंड इससे फेंका, तो यही जो आया, ठीक है, मास को आपने मास को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया। वेलोसिटी का मतलब हो गया वेलोसिटी और स्पीड दोनों अलग अलग है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो आपको क्वांटिटी मिली उसको बोलते हैं मोमेंटम। तो हमको मोमेंटम मिल गया। तो मोमेंटम की यूनिट क्या होती है? देखो मोमेंटम की जो यूनिट होती है, मोमेंटम की यूनिट, देखो यूनिट आपको निकालनी चाहिए क्योंकि ये ड्रीवन यूनिट है, ड्राइव करके निकाली गई यूनिट है। तो मोमेंटम को पी से रिप्रेजेंट किया था, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी, और मास को हम केजी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मास की जो यूनिट है वो ऐसा इंटरनेशनल में केजी है, और वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं हम डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट लेंथ को बताता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, मैं इसकी जगह मीटर रख सकता हूं, और ये जो टाइम है, टाइम की जो यूनिट होती है वो सेकंड, तो इसका मतलब क्या हो गया कि केजी मीटर पर सेकंड, ये इसकी यूनिट आ जाती है। उसको लिखने का तरीका ये भी है कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, केजी मीटर सेकंड की पावर -1। ये जो है यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये -1 नहीं है, ये एक्चुअली -1 सेकंड की पावर -1 है, ऐसे लिखा जाता है उसको, और इसको पढ़ा था केजी मीटर पर सेकंड, ठीक है, पर सेकंड होता है ये, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं हम थोड़े से, क्योंकि हम अपना जो ग्रेविटी से रिलेटेड चैप्टर हमारा ये, तो इसमें हम थोड़े जो मतलब अर्थ से रिलेटेड भी चीजें और जो हमारा यूनिवर्स कौन कौन सी थ्योरी आई उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला देखो, जब शुरू में सेकेंड सेंचुरी के बीसी मतलब जब सेकेंड सेंचुरी चल रही थी, तो अलग अलग थ्योरी थी, लोग समझना चाहते थे, क्योंकि जो राजा होते थे उनको भी क्यूरियोसिटी होती थी कि उनके जो कोर्ट हो उसमें साइंटिस्ट हो और वो अलग अलग रिसर्च करे, उनका भी नाम हो। तो सबसे पहले जो थ्योरी थी वो ये थ्योरी थी कि जो अर्थ है, अर्थ के चारों चारों तरफ सारी चीजें घूमती, अर्थ के चारों तरफ मून घूमता, अर्थ के चारों तरफ सभी प्लेनेट घूमते हैं, और अर्थ के चारों तरफ ये अर्थ है, और अर्थ के चारों तरफ जो सन है वो भी घूमता है, तो इसलिए उसको बोला जाता है जियोसेंट्रिक मॉडल। जियोसेंट्रिक मॉडल का मतलब ये हो गया, जो ऐसा मॉडल जिसमें अर्थ के चारों तरफ सारी चीजें घूमती है उसको जियो सेंट्रिक मॉडल बोला जाता है। ये इस टाइप की पहले विचारधारा थी कि जो है अर्थ के चारों तरफ सारा सिस्टम घूमता है, ना कि सन के चारों तरफ। तो ये जो थ्योरी दी थी, ये इनका नाम वैसे इतना तो जरूरी नहीं है, लेकिन ऐसी बस एक आइडियोलॉजी मतलब एक पता लगेगी कैसा इसका एवोल्यूशन हुआ था।
जो क्लॉडियस नाम के बंदे ने दी थी ये, तो इसका नाम जरूरी नहीं कि ये, इन्होंने बस यही बोला था। फिर उसके बारे में मतलब ये थ्योरी बहुत टाइम तक चली। फिर उसके बाद में निकोलस कैपरनिकस आया, तो निकोलस कैपरनिकस ने बोला भाई ये जो आपने जियो सेंट्रिक मॉडल है ना, ये आपका मॉडल गलत है। एक्चुअल में इन्होंने बोला कि देखो सॉरी, हाँ इन्होंने बोला अर्थ के चारों तरफ नहीं घूमता है, या अर्थ के चारों तरफ सारा सिस्टम नहीं घूम रहा, ये तो सन है जिसके चारों तरफ सारे प्लेनेट और हमारी अर्थ घूमती है। तो इनका जब ये मॉडल आया, तो इनके मॉडल को लेकर मतलब ये बहुत अच्छे जो उस टाइम के साइंटिस्ट थे, तो इनकी बात को गिराया नहीं जाता था। लेकिन जो राजा था, वो राजा तो इस बात को मानता था जियो सेंट्रिक है मॉडल, लेकिन राजा नहीं चाहता था कि उसका जो मॉडल प्रपोज किया गया है उसको कोई नकारे, तो फिर लोग मतलब एक टाइप की इंसल्ट फील होती है, तो राजा नहीं चाहता। तो राजा ने इसी चक्कर में जो निकोलस जो कैपरनिकस है इसको जेल में डाल दिया था, और इन्होंने काफी ये बहुत टाइम तक इन्होंने अपना टाइम जेल में वहां पर व्यतीत किया। तो फिर उसके बाद में बहुत सारी जितनी भी रिसर्च हुई, तो उससे पता लगा कि भाई ये जो इन्होंने निकोलस कोपरनिकस ने बोला कि सन के चारों तरफ सारा सिस्टम घूमता है, वो बात बिल्कुल सही है। मतलब जो हीलियोसेंट्रिक, हीलियो का मतलब होता है सन, हीलियोसेंट्रिक मॉडल कोपरनिकस का बिल्कुल सही है, ये जियोसेंट्रिक मॉडल जो जियोसेंट्रिक मॉडल है ये बिल्कुल गलत है। तो इस टाइप से जो है हमारा ये पता लगा, इस टाइप कैसा एवोल्यूशन हुआ कि सन के ही चारों तरफ सारे प्लेनेट हो गए, और जितने भी सैटेलाइट वो होते हैं एस्ट्रॉइड, वो सभी सन के चारों तरफ घूमते हैं, ना कि अर्थ के चारों तरफ। तो इस टाइप से जो है हम कैसे जियोसेंट्रिक से लेकर हीलियोसेंट्रिक के मॉडल की ओर आए, तो इनके बारे में आपको पता रखना। ये निकोलस कोपरनिकस काफी अच्छा नाम है, तो इन्होंने हीलियोसेंट्रिक का मॉडल दिया था, तो आपसे पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं यहाँ पर टाइको, देखो इनके बारे में बात करते हैं। जैसे जॉन कैपलर्स ने अपने लॉ दिए थे, तीन लॉ, ठीक है, तो इस इनके जो लॉ है जिस फैक्ट पर बेस है, जो डेटा इन्होंने कंपाइल करा था, वो ये जो जॉन कैपलर थे ये असिस्टेंट थे, किसके असिस्टेंट थे, टाइको के, टाइको। और ये जो टाइको था, ये टाइम डेट लाइन दे रखी है, तो इसने अपनी पूरी जिंदगी डेटा को कलेक्ट करने में, किस टाइप का कलेक्ट करने में निकाल दी, किस टाइप का डेटा कलेक्ट करता था ये ऊपर देखता था, सभी ग्रहों की जो ग्रह थे, जो प्लैनेट थे, उनकी पोजीशन नोट करता रहता था, ये इस टाइम यहाँ पर है, इस टाइम यहाँ पर है, इस टाइम यहाँ पर। इन्होंने खूब किताबें पर मतलब वो डायरी पर डायरी, डायरी पर डायरी खूब भर डाली, इतना डेटा कर डाला है, कई इनके कई रूम आ गया वो डेटा, मतलब बहुत सारा रूम इन्होंने मतलब जो बहुत सारा स्पेस था इनके डेटा ने ऑक्यूपाई कर लिया। लेकिन ये इनके पास इतना टाइम नहीं बचा, मतलब ये टाइम क्या नहीं बचा, देखो इंसान की मौत हो जाती है तो विद इन टाइम आपको सब कुछ करना होता है, तो इन्होंने डेटा तो कलेक्ट कर लिया अपनी पूरी जिंदगी भर, लेकिन उस डेटा को कंपाइल नहीं कर पाए, कंपाइल करके कोई लॉ नहीं दे पाए, तो इनकी डेथ होगी। तो फिर जो इन्होंने डेटा कलेक्ट किया कि भाई कौन सा जो स्टार है वो किस टाइम पर कहाँ पर होता है, उनकी सभी पोजिशन का डेटा इनके पास था, डेटा बहुत काम का था ये टाइको का। उसके बाद में इनके जो असिस्टेंट थे, असिस्टेंट कौन थे, असिस्टेंट जॉन कैपलर, तो जॉन कैपलर ने टाइको का डेटा को कंपाइल किया, उसको समझा, उसको स्टडी की, और फिर इन्होंने अपने तीन लॉ दिए जिनको बोला जाता है कैपलर्स लॉ ऑफ द प्लेनेटरी मोशन। ये तीन लॉ आपको याद ना हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपसे पूछा जा सकता है कि कैसे भी पूछा जा सकता है, मैच द फॉलोइंग, या कैपलर जो कैपलर्स के जो लॉ है वो किससे रिलेटेड है, कैपलर के लॉ क्या उससे रिलेटेड, दुनिया भर की चीजें होती हैं, ग्रेविटी से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड, प्लैनेट के मोशन से रिलेटेड, किससे, दुनिया भर की चीजें आपसे पूछी जा सकती है, एआई से रिलेटेड है, ऐसे पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए भाई कैपलर के जो लॉ है वो किससे रिलेटेड है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब इनकी जो इन्होंने डिस्कवरी नहीं की थी, इन्होंने एक्चुअली देखो आप समझ रहे हो ना, आप आज की डेट में किसको हम जानते हैं, कैपलर को जानते हैं, लेकिन टाइगो को नहीं जानते, लेकिन मेन कंट्रीब्यूशन किसका है, टाइगो का। टाइगो अगर डेटा अपना कंपाइल नहीं करता है, और फिर हम आगे चल के देखेंगे कि कैसे न्यूटन, आइजैक न्यूटन ने जॉन कैपलर्स की स्टडी को और आगे फर्दर ले गए, तो मतलब कोई ऐसा नहीं कि न्यूटन वो बैठे हुए थे पेड़ के नीचे और उनको लगा कि ये एप्पल नीचे टूट कर गिर गया, वो एक मनगढ़ंत कहानी है, ठीक है। वो जो उन्होंने अपनी थ्योरी बनाई है न्यूटन ने, वो उसके पीछे बहुत लंबी कहानी जो चलती हुई आ रही है, आप देख रहे हो कि पहले इन्होंने टाइगो ने डेटा इकट्ठा किया, पूरी जिंदगी भर डेटा इन्होंने इकट्ठे किया, उसको फिर उन्होंने कंपाइल किया, जॉन कैपलर ने अपने लॉ दिए, लेकिन जॉन कैपलर एक जो जब इन्होंने अपने प्लेनेटरी मोशन के लॉ दिए, तो इन्होंने ये फेल हो गया, किस चीज में फेल हो गए, इन्होंने ये नहीं बताया कि भाई ये जो जैसा ये जो सन है, सन के चारों तरफ सारे सिस्टम घूम रहे हैं, लेकिन वो रीजन क्या है जिसकी वजह से ये सारे सिस्टम घूम रहे हैं, तो ये नहीं बता पा रहे थे, वो आइजैक न्यूटन ने ही बताया था। तो
इनके जो कैपलर्स के लॉ हैं वो ये है कि जो मैं यहाँ पर मोटे मोटे बता देता हूँ आपको, आपको जो है इसको रटने की जरूरत नहीं है। और इन्होंने एक तो ये बोला था कि जितने भी, जैसे मान लो ये सन है, तो सन के चारों तरफ सभी के जितने भी हमारे प्लैनेट सब वो इलेप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं, ऐसे अंडाकार शेप में ऐसे घूमते हैं। तो एक तो इनका पहला वाला लॉ था ये, इलेप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं। और फिर दूसरा बोला कि ना, वैसे जरूरी नहीं है कि आप ये करो कि भाई ये यहाँ से लेकर मान लो कोई प्लेनेट यहाँ था, फिर वो यहाँ पर आ गया, तो उसको मान लो 1 मंथ लग गया, तो इसने यहाँ पर जो एरिया कवर करा, फिर उसके बाद में ये यहाँ पर आएगा और फिर ये यहाँ, तो यहाँ से यहाँ जो आएगा फिर से 1 मंथ, तो ये जो एरिया आएगा ये दोनों बराबर होंगे। तो इन्होंने यही बोला था कि जो इक्वल इंटरवल ऑफ द टाइम में ये इक्वल एरिया स्वैप करते हैं, एक लॉ ये था। तो आपको इसको जानने की जरूरत नहीं है, स्किप भी कर सकते हो। यहाँ पर मैंने ये थोड़ा सा एनिमेशन दे दिया तो आप देख भी सकते हो, वैसे आपको समझ में नहीं आएगा। बात करते हैं थ्योरी ऑफ द ग्रेविटी, ये किसने दिया था? देखो ये थ्योरी ऑफ ग्रेविटी जो थी, जैसे मैंने बताया आइजैक न्यूटन ने दी। तो क्या आइजैक न्यूटन, जैसे मैंने बताया कि एक कहानी है कि पेड़ के नीचे जो न्यूटन बैठे हुए थे और फिर साहब इनको एप्पल ऊपर से नीचे गिरते हुए दिखाई दे गया, तो इनके दिमाग में ऐसा, वो सब मनगढ़ंत कहानियां, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके पीछे बहुत लंबी चौड़ी सेक्रीफाइसेस हैं, जैसे टाइगर ने सबसे बड़ा ज्यादा डेटा इकट्ठा किया, उसके बाद कैप्लन ने अपने लॉ दिए। लेकिन कैप्लन ये बताने में, कैप्लन ने यही बोला था कि जो जितने भी प्लेनेट है वो सन के चारों तरफ ऑर्बिटिकल मतलब जो इलेप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं, 3 लॉ दिए थे इन्होंने, तो पता होना चाहिए आपको ये जो है किससे रिलेटेड है, कैप्लर्स के लॉ। उसके बाद में न्यूटन, क्योंकि ये जो थे कैप्लर, इन्होंने ये नहीं बताया कि भाई ये जो जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों तरफ क्यों घूमते हैं, कौन सा फोर्स काम करता है। तो इस फोर्स को जो एक्सप्लेन किया था वो न्यूटन ने, आइजैक न्यूटन ने एक्सप्लेन किया था। तो इन्होंने काफी स्टडी करी, जो डेटा था, जो भी कैप्लर्स के लॉ थे उनको स्टडी किया। स्टडी करने के बाद जो डेटा था जो टाइगो ने कलेक्ट किया था उसको स्टडी किया, और फिर इन्होंने यहाँ पर अपनी जो एक थ्योरी दी, थ्योरी ऑफ द ग्रेविटेशन। तो थ्योरी ऑफ द ग्रेविटेशन जो है ये काफी इंपोर्टेंट थ्योरी है, इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। इन्होंने अपना जो ये जो न्यूटन्स के जो लॉ थे वो एक मैथमेटिकल बुक लिखी थी, इन्होंने सॉरी एक बुक लिखी थी जिसका नाम था मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स ऑफ द नेचुरल फिलोसफी। तो इन्होंने इस बुक के अंदर अपने लॉ को लिखा। इनका लॉ यही था, इनके लॉ यही थे कि भाई अगर मान लो दो किसी भी दो ऑब्जेक्ट हैं हमारे पास, एक ये है और एक ये है, इस ऑब्जेक्ट का अपना मास होगा और इस ऑब्जेक्ट का अपना मास होगा, तो इन दोनों के बीच की कुछ डिस्टेंस होगी। तो इसने ना बोला जो इनके बीच में फोर्स काम करता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों मास के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल, और वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इन दोनों के स्क्वायर ऑफ द इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये बोला इन दोनों को कंबाइन कर दिया तो फिर एक ऐसा बन गया कि m1 × m2 / r² स्क्वायर। उसके बाद में इन्होंने ये जो ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाया, प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के बाद इन्होंने यहाँ पर कैपिटल जी लिख दिया। इस कैपिटल जी के बारे में आपको बताऊंगा जी, इसकी वैल्यू क्या होती है और इसकी यूनिट क्या होती है। ये तो ये कैपिटल जी जो है इसको बोला जाता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसका मतलब ये होता है इसकी वैल्यू हमेशा फिक्स होती है, बदल नहीं सकती। इसकी जो वैल्यू होती है, इस पर जरा रट्टा मार लेना कभी आपसे पूछ ले भाई वो, क्योंकि देखो बीपीएससी का रिकॉर्ड रहा है वो सड़े हुए क्वेश्चन से भी पूछ लेता है, मतलब बहुत सड़े हुए से क्वेश्चन। तो 6.6 इतना पता होना चाहिए, देखो 6.6 लिखा ना, 6.6 ये था 6.66 × 10⁻¹¹। और यूनिट है इसकी यहाँ पर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg². तो ये जो है जी की वैल्यू थी जो कि निकाल कर दी, जो कि निकली इसको ग्रेविटेशनल। तो न्यूटन का ये लॉ था ग्रेविटेशनल लॉ, तो जो कि इसने दिया था। आपसे पूछा जा सकता है सिंपल सा क्वेश्चन, मैंने आपको बताया जैसा रिलेटिव थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का उसने पूछा था 2022 में, ऐसे पूछ सकता है कि ये बताओ कि जो ये जो थ्योरी ऑफ द ग्रेविटी है, ग्रेविटेशन है, ये किसने दी थी। तो आपको उल्टे सीधे साइंटिस्ट के नाम दे सकता है, तो आपको सही पता है, तो आपको ये आप जो है इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। बात करते हैं यहाँ पर छोट, देखिए एक और चीज देखते हैं हम, जो एक इसको तो बोलते हैं हम, कहाँ गया, हाँ यहाँ पर बोलते हैं ये जो बड़ा वाला जी होता है इसको तो हम ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। एक छोटा वाला जी होता है तो इसको बोला जाता है ग्रेविटी ड्यू टू द
अर्थ, अर्थ के द्वारा जो ग्रेविटी आई है, अब इसकी जो वैल्यू है वो बदलती रहती है, जरा इसके बारे में जानना जरूरी है। ये छोटा वाला जो जो जी है इसके बारे में जान लेते हैं। देखो छोटे वाले जी और बड़े वाले जी में डिफरेंस है। कभी आप सोच रहे हो कि छोटा जी और बड़ा जी यहाँ पर है, ये जो होता है इसको इसका बोलते हैं ग्रेविटेशनल, ये जो होता है ना इसको यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का मतलब हो गया कि जो एक्सेलरेशन आया वो ड्यू टू द ग्रेविटी के कारण आया। जैसा आपने देखा है अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा है तो वो जितना नीचे की ओर आएगा उतना ही तेज स्पीड के साथ गिरता है। तो वो क्यों गिरता है? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वजह से गिरता है। इसकी जो यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जैसा आपने एक्सेलरेशन पढ़ा है तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम। और वेलोसिटी को कैसे लिख सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एक टाइम तो ये, एक टाइम और इसका वेलोसिटी आ गया, तो टाइम मल्टीप्लाई टाइम, तो ये आ जाता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का स्क्वायर। और टाइम डिस्प्लेसमेंट एक डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, डिस्प्लेसमेंट को मीटर में लिखा जाएगा, अपॉन टाइम की जो यूनिट होती है वो सेकंड होती है, तो सेकंड स्क्वायर मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका जो है जो एक्सेलरेशन होता है इसकी जो यूनिट होती है। तो इसके बारे में, यूनिट के बारे में आपको बताऊं जी, मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर में भी बताया कि किस टाइप के क्वेश्चन आयोग जो है पूछ रहा है यूनिट से रिलेटेड। तो जी ये जी में होता है। अब ये जी की जो वैल्यू होती है ये कभी फिक्स नहीं होती। देखो ये बड़ा वाला जो जी है ना, ये इसकी वैल्यू होती है फिक्स। जो मैंने आपको ग्रेविटेशन कांस्टेंट बताया था कि 6 पॉइंट, ये जो वैल्यू लिखी हुई है फिक्स होती है, कभी नहीं बदलती है। ये जो वैल्यू होती है छोटी वाली जी, ये वैरी करती रहती है। कैसे वैरी करती रहती है अभी देखते हैं। अगर मान लो आप अगर अर्थ के इक्वेटर पर खड़े हो, जैसे मान लो देखो ये अर्थ है और ये हो गया पोल, तो अर्थ के इक्वेटर पर ये जो जी है इसकी वैल्यू कम होती है, मिनिमम होती है, ठीक है, सबसे मिनिमम वैल्यू होती है। और ये जो क्यों? क्योंकि ये जो है सेंटर से बहुत दूर है, अर्थ के बहुत दूर होता है। और ये जो पोल है, पोल पर इसकी जो वैल्यू होती है वो ज्यादा होती है, क्योंकि ये जो पोल है वो सेंटर के पास में होता है। तो जी यहाँ पर मैक्सिमम होता है पोल पर, और जी यहाँ पर, ये जी जो होता है कहाँ पर? इक्वेटर पर। जी इक्वेटर पर जो होता है वो जी इक्वेटर पर हो जाएगा मिनिमम, मिनिमम, ठीक है। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, जो जी की वैल्यू होती है। छोटे वाले जी की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, बड़े वाले जी की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बड़ा जी और छोटा जी दोनों अलग अलग है। कभी आप सोचो कि छोटा जी और बड़ा जी, तो ये जो वैल्यू होती है इक्वेटर पर मिनिमम होती है, और मैक्सिमम पर जो पोल होता है उस पर ज्यादा होती है। एक बात और आती है, अगर आप मान लो ये अर्थ है, अर्थ की सरफेस से ऊपर जा रहे हो तब भी जी की वैल्यू कम होती है, और अगर आप अर्थ के अंदर जा रहे हो, जमीन खोदते हुए अर्थ के अंदर जा रहे हो, तब भी ये जी की वैल्यू डिक्रीज होती है। तो कुछ जो फैक्ट है उनको थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। देखो पूरा चैप्टर ऐसा कंप्रेहेंसिवली पढ़ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत बड़ा चैप्टर हो जाता है, तो इसलिए आप ये मतलब पढ़ नहीं सकते हो। तो लेकिन थोड़ी थोड़ी चीजें जो जहां से क्वेश्चन बनते हैं वो पढ़ लो। अब बात करते हैं मास और वेट में, दोनों में अंतर होता है। देखो मास जो होता है उसकी जो यूनिट होती है वो केजी होती है, लेकिन वेट, ये जो वेट होता है ना एक्चुअली ये फोर्स होता है, फोर्स होता है। तो जब ये बोला जाता है कि ये बताओ एक एक पर्सन का जो वेट है, मान लो अर्थ पर कोई पर्सन है, अर्थ पर वेट की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर, कभी आप सोच रहे हैं अर्थ पर किसी पर्सन का वेट है मान लो 60 kg, तो ये बताओ 60 kg अर्थ पर है ये, तो ये बताओ मून पर इसका जो वेट है वो कितना होगा? देखो वेट का मतलब होता है फोर्स, वेट का मतलब होता है फोर्स। और ये जो मास होता है, ये जैसे 2 किलो आलू दे दो, 3 किलो आलू दे दो, केजी, केजी, तो ये जो मास है ये केजी होता है। और मास कभी नहीं बदलता है, आपको चाहे अर्थ पर ले जाओ, आपको चाहे जमीन के नीचे ले जाओ, ऊपर ले जाओ, कहीं भी ले जाओ, मार्स पर ले जाओ, जुपिटर पर ले जाओ, हमेशा अगर आपका जो मास है वो 50 kg है तो 50 kg ही रहेगा। लेकिन क्या बदलेगा? वेट बदलेगा, ठीक है, वेट बदलेगा, क्योंकि जो देखो फोर्स जो होता है, फोर्स होता है मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन। अब इस एक्सेलरेशन ही छोटा वाला जी बड़ा वाला जी कैसा भी हो सकता है, तो अगर आपने मास को एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर दो, वह एक्सेलरेशन डिपेंड करता है कि किस कौन से एक्सेलरेशन की बात कर रहे हो, अर्थ वाले की बात कर रहे हो या बाहर जा रहे हो, तो ये जो वैल्यू है वेट की बदलती रहती है। तो जो वेट होता है वो एक फोर्स होता है ना कि, और वेट का मतलब हो गया फोर्स, फोर्स की यूनिट क्या, वेट फोर्स के इक्वल होता है, मतलब दोनों एक ही बात होती है, और फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। तो आप समझ रहे हैं, वेट और अगर फोर्स दे रखा तो उसका मतलब उसकी यूनिट न्यूटन होती है। दोनों में अंतर होता है, वेट और मास में दोनों में अंतर ये पता होना चाहिए। अगर आपका, देखिए अब जरा यहाँ पर देखते हैं, मान लो मून पर
कोई किसी का, जैसे मान लेते किसी का जो है मास, मास नहीं वेट, किसी का मास अर्थ पर 60 kg है, तो मून पर कितना हो जाएगा? इस 60 kg को आप 6 से डिवाइड कर दो तो 10, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मून पर वेट होगा किसी ऑब्जेक्ट का, अर्थ के वेट, अर्थ पर जितना वेट होगा उसका 1/6 कर दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, काफी पूछा जाता है कि मून पर किसी भी पर्सन का जितना भी वेट होगा, मून पर उसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी? उस वैल्यू को जो अर्थ पर, देखो अर्थ पर कितनी है, अर्थ पर मान लो उसकी 60 न्यूटन का, तो उस पर 6 से डिवाइड कर दो तो 10 न्यूटन का। इसका मतलब 10 न्यूटन का जो वेट होगा उसका मून पर होगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट, इसकी वेलोसिटी क्या होती है, थोड़ा सा समझते हैं। ये किसी वैल्यू पूछी जाती है आपसे, इसकी वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है? देखो ये अर्थ है, अर्थ की सरफेस, आप तो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल है वो फील्ड वो बहुत दूर तक काम करता है, तो अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को इतनी इतनी स्पीड से फेंक दो जिससे वो ग्रेविटेशनल फोर्स, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट है, दायरा है, इस दायरे को क्रॉस करके वो अर्थ के जो ग्रेविटेशनल फोर्स को छोड़कर, ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़कर, इसका ग्रेविटेशनल फील्ड बोलते हैं, इसको छोड़कर बाहर चला जाए और फिर कभी अर्थ पर ना आए, तो ऐसे ही वेलोसिटी को बोला जाता है, इसकी वेलोसिटी। मतलब आपने कोई सी ऑब्जेक्ट को लिया और फेंक मार दिया ऊपर, लेकिन फिर वो कभी आया ही नहीं, धरती पर कभी गिरा ही नहीं, तो ऐसी जो स्पीड होगी, उस जो वेलोसिटी होगी उसको बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। और किसी भी ऑब्जेक्ट को, एस्केप वेलोसिटी अर्थ की कितनी है? अर्थ की जो एस्केप वेलोसिटी है 11 पॉइंट, किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ की सरफेस से फेंकने के लिए आपको फेंकना पड़ेगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर इस स्पीड से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक देते तो वो ऑब्जेक्ट कभी अर्थ पर वापस नहीं आएगा, और इसी को बोला जाता है एस्केप वेलोसिटी। मतलब वो मिनिमम वेलोसिटी जिससे आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंक देते हैं और वो कभी भी वापसी नहीं आता है। बता सिंपल पेंडुलम, तो सिंपल पेंडुलम बनता है कैसा, जरा ये देख लो। सिंपल पेंडुलम बनता है कि आपने इसको कहीं बांध दिया और इसमें एक रस्सी होगी, और ये जो धागा होगा ये वेटलेस होगा, फ्रिक्शन लेस होगा, और इसमें आपने यहाँ पर कुछ मास जो है, मास का कुछ टुकड़ा बांध दिया, ठीक है। जैसे ये देख रहे हो आप, ये घूम रहा है सिंपल पेंडुलम, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। जैसे ये घड़ी है, तो घड़ी ये मास है, और यहाँ पर जो है कुछ थोड़ा सा इसका अपना, वैसे सिंपल पेंडुलम ही है ये, सिंपल पेंडुलम, तो यहाँ पर मास है और इसमें एक धागा लगा हुआ है जो वेटलेस है। अब देखो ये जो है, कभी कभी इसकी घड़ी की जो है, मतलब ये कभी स्पीड बढ़ जाती है, कभी स्पीड कम हो जाती है, किस बात पर डिपेंड करता है? देखो ये जैसे यहाँ पर आप, हाँ ये किस बात पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है धागे पर। मैं यहाँ पर ये इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, बस ये देख लो। जैसे मान लो हमारे पास कोई ये एक धागा है, और यहाँ पर मैंने इसका मास बढ़ा दिया, सॉरी मास नहीं, ये मास है यहाँ, ये तो हो गया इसका कोई धागा, और ये हो जाएगा इसमें मैंने कोई मास टांग दिया, 50 ग्राम 100 ग्राम इस टाइप का कोई मास बांध दिया। अब जैसी गर्मियां आई, समझो गर्मियां आई, तो गर्मियों में होगा क्या, ये जो धागा था इसकी जो लेंथ है वो थोड़ी बढ़ जाती है। जब लेंथ बढ़ जाएगी तो पहले तो इसको चक्कर काटने में इतना ऐसा ऐसा जा रहा था ये, लेकिन अब इसको चक्कर काटने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। इसीलिए यही होता है कि जो है इसकी जो घड़ी होती है, ये जो पेंडुलम वाली घड़ी होती है, वो जो गर्मियां आती हैं, गर्मियों में उसकी जो है वो टाइम पीछे हो जाता है, तो ये पता होना चाहिए आपको, इस पर क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। पेंडुलम क्लॉक बींग स्लो इन द समर, समझ गए क्यों? क्योंकि ये जो धागा है इसकी लेंथ बढ़ जाती है, जब लेंथ बढ़ेगा तो फिर इसको ज्यादा लेंथ मतलब ज्यादा घूमना पड़ेगा, तो इसलिए इसकी जो है ये स्लो हो जाती है घड़ी। अब बात करते हैं सर्दियों की, तो सर्दियों में जैसे मैंने बताया कि हमारे पास, अगर मेरे पास एक धागा है ये, और मैंने इस धागे को, ये धागा है, मैंने यहाँ पर इसका कोई मास बांध दिया है 50 ग्राम 100 ग्राम इस टाइप का, और फिर उसके बाद में जैसे ये सर्दी आएंगी तो ये धागे की ना लेंथ छोटी हो जाती है, ये धागा जो है ना, ये धागा छोटा हो जाएगा, तो जब ये धागा छोटा हो जाएगा तो ये बहुत जल्दी जल्दी ऐसा घूमेगा, ऐसा पेंडुलम घूमेगा, तो इसका मतलब क्या होगा, सर्दियों में जब सर्दी आती है तो लेंथ कम हो जाती है, लेंथ कम होने से ये बहुत जल्दी जल्दी ऐसा जाएगा, तो इसकी स्पीड जो है बढ़ जाती है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ये बताइए कि जो पेंडुलम वाली क्लॉक होती है, पेंडुलम क्लॉक के अंदर, समर के अंदर जो है ये धीरे धीरे हो जाती है, और जब विंटर आती है तो ये तेज हो जाती है, तो उसका रीजन क्या है, इसी पर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पर मैंने ये दे दिया था, अब जरा थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो जनरल थ्योरी ऑफ द ग्रेविटी, जनरल थ्योरी ऑफ द रिलेटिविटी, जनरल थ्योरी ऑफ द रिलेटिविटी एल्बर्ट आइंस्टीन ने दी थी, ठीक
ठीक है। और ये जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडिया के ही थे ये, तो इन्होंने सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, तो इन्होंने जो है स्टार के फॉर्मेशन में, एक कैसे स्टार फॉर्मेशन होते हैं, ब्लैक होल की थ्योरी पर काफी अच्छा काम किया। तो इन्होंने एक लिमिट दी थी, चंद्रशेखर लिमिट। चंद्रशेखर लिमिट ये है कि भाई कोई भी जो मान लो कोई कोई भी प्लेनेट वो है स्टार है, तो वो कब वाइट जो है वो वाइट ड्वार्फ कब बन सकता है। उसने बोला था कि भाई अगर उसका जो मास है, जैसे मान लो सन का मास है, तो सन के मास का 1.4 टाइम्स अगर है, तो तभी वो जो है इस शो द मास ऑफ द वाइट ड्वार्फ कुड बी नॉट एक्सीड। तो जितने भी अगर मान लो इससे कम मास है तो व्हाइट ड्वार्फ बने जाएगा वो, ठीक है। तो ये इन्होंने चंद्रशेखर लिमिट जो है ये इन्होंने मतलब दी थी। चंद्रशेखर लिमिट किसने दी थी, तो ये सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने दी थी। इन्होंने ब्लैक होल की थ्योरी पर और जो स्टार के फॉर्मेशन है काफी काम करा था। ऐसी दे दिया मैंने क्योंकि अब हो सकता है वो उसके दिमाग में कुछ अनाप शनाप चीजें चल रही हो, वो रख भी दे यहाँ पर एग्जाम को बनाने वाला, तो ये आपको पता होना चाहिए। एल्बर्ट आइंस्टीन ने जो है जनरल थ्योरी ऑफ द रिलेटिविटी दी थी। क्यों करना जरूरी है, जैसे मैं आपको यहाँ ले चलता हूँ, देखिए ये 2000 थ्योरी ऑफ द रिलेटिविटी इज प्रेजेंटेड बाय द विस साइंटिस्ट, तो आपको पता होना चाहिए। देखो एल्बर्ट आइंस्टीन, समझ गए आप। तो इसलिए बहुत जरूरी होता है कि भाई आप पढ़ो। अब हो सकता है यहाँ पर देखो आइजैक न्यूटन का भी नाम है उसमें, ये मैरी क्यूरी के बारे में भी जब हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसके बारे में देखेंगे कि कैसा रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी हुई। तो इसका जो आंसर है वो डी है। तो अब बात करते हैं, पेंडुलम क्लॉक कैन फास्टर इन, तो समर में जल्दी तेज तेज वो जो है, समर में विंटर में जो है बहुत तेज तेज फास्ट करेगी, तो इसका जो आंसर है विंटर हो जाएगा। यहाँ पर बढ़ते हैं, व्हाई डू पेंडुलम क्लॉक यूजुअली लूज टाइम इन समर, समर में क्यों हो जाती है, क्योंकि समर में उसका धागा लंबा हो जाता है, तो लेंथ ऑफ द पेंडुलम इंक्रीज इंक्रीजिंग द टाइम ऑफ द पीरियड ऑसिलेशन। तो इसका जो आंसर है ये, तो उसका जो धागा है उसकी लेंथ लंबी हो जाएगी, धागा लंबा हो जाएगा, लंबा होगा तो फिर बहुत लंबा उसको चक्कर काटना पड़ेगा, तो इसलिए जो है उसका जो है वो स्लो हो जाती है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम किस पर डिपेंड करता है, बता सकता है, धागे पर डिपेंड करता है। धागा जो होता है उसका जितना लंबा धागा होगा उतना ही उसका टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, तो डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ द ये ऑफ इट्स, इसके वेलोसिटी मैंने आपको बता दिया 11 पॉइंट, ये इसके वेलोसिटी होती है, हो प्रोपोर्शनल टू द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल, ये इसके बारे में आपको पता है। वेटलेस का क्या मतलब होता है जरा भी देखते हैं। देखिए ये क्या, ये जो है कैसे ऊपर हवा में घूम रहे हैं, तो इसी को बोलते हैं वेटलेसनेस। इसका मतलब क्या होता है, वहां पर ग्रेविटी है ही नहीं, जीरो ग्रेविटी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये, हु प्रोफाइंडेड द यूनिवर्सल लॉ ऑफ द ग्रेविटेशनल, बताओ कुछ ने बताया था, आइजैक न्यूटन ने दिया था, अभी मैंने आपको बताया अपनी इन्होंने बुक लिखी थी उसमें छापे थे अपने लॉ, तो ये मैंने आपको यहाँ पर जो है इसके बारे में बताया। बीपीएससी ने किस टाइप के क्वेश्चन पूछा ये भी मैंने आपको दिखा दिया। तो हम अपना ये लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। देखो इस टाइप के जो होते हैं ना, जहाँ से बीपीएससी कम पूछ रही है, तो मेन मेन पॉइंट पर आपको थोड़ा ध्यान जाना चाहिए कि भाई किस किस टाइप के वहां से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि उसने कभी पूछा नहीं है तो मतलब पूछेगी नहीं, भाई देखो कॉम्पिटेटिव एग्जाम का यही नेचर होता है कि पता नहीं कब कहाँ से पूछ रहे हैं, इसलिए जो पढ़ने वाले होते हैं कभी कभी वो रह जाते हैं, और जो एकदम वैसे बंदे होते हैं जो कभी बहुत ही कम पढ़ते हैं उनका तुक्केबाजी हो जाती है, कुछ ऐसा पढ़ लेते हैं तो उनका चल जाता है। तो हम अपना ये लेक्चर यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।